मकराना की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। बता दें कि इंडियन आइडल फेम सवाई भट्ट का मकराना पोस्टर पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। सोनी टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम इंडियन आइडल में राजस्थानी लोक संगीत व कला की धाक जमाने वाले सवाई भट्ट का जेडी ग्रुप के निहाल जोशी के निवास स्थान पर गाजे बाजे के साथ साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। भट्ट ने कहा कि गाँव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने की जरूरत है। भगवान की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद और चाहने वालों की दुआओं का ही असर है कि एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर हो पाया। इंडियन आइडल में जाना उनका सपना था। भट्ट ने कहा कि अपनी गायकी के दम पर अपने गांव व नागौर जिले का नाम रोशन करेंगे। सवाई भट्ट मूल रूप से नागौर जिले के मकराना तहसील के गाँव गच्छीपुरा के रहने वाले है। इसके बाद सवाई भट्ट का रूपा मार्बल बोरावड़ के मकराना के विधायक रूपा राम मुरावतिया ने सवाई भट्ट का स्वागत किया। जहाँ तक संगीत का प्रश्न है, ये हमारी नौवीं भक्ति में आता है। गीतों गाकर मीरा जी है या कहीं बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने गीतों के माध्यम से हमारे समाज को, हमारी सभ्यता और संस्कृति को अच्छी दशा दी, अच्छी दिशा दी। मैं समझता हूँ, अब भी मैं भाई सवाई भट्ट के लिए मेरी तरफ से सुझाव रहेगा, आने वाले समय में हम हमारी संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए संगीत की मर्यादा पहचाने। सबसे बढ़िया संगीत में शब्दों का चयन अच्छा हो, मर्यादित शब्द हो, उसमें सुनने वाले को आनंद आएगा, परिवार के साथ बैठ के आनंद आएगा सुनने में। और संगीत सर्वोपरि है, जो संगीत प्रेमी है, जो भावुक होते हैं वो संगीत प्रेमी होते हैं, और भावुक आदमी भावना प्रदान होते हुए प्रभु के नजदीक होते हैं, आध्यात्मिकवाद के नजदीक होते हैं। शारीरिक सुख नहीं, वो मानसिक सुख के वो पसंद करते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है सवाई भट्ट को मैं मेरी तरफ से ये शुभकामना देता हूँ, आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। संगीत की दुनिया में हमारे मकराने में गच्छीपुरा गांव से जो ये है, संगीत की दुनिया में हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में आप एक अपना संगीत का जो एक आदर्श प्रस्तुत करें, नाम करें, अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, और मकराना नागौर जिला और राजस्थान का नाम रोशन करे संगीत की दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपने जो अब तक का सफर किया इंडियन आइडल में, तो आपने छोटे से गांव से उठ के इतने बड़े वहां पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा सा दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के अलग अलग जगह से मुझे इतना सपोर्ट मिला, प्यार मिला, मैं सबका शुक्र गुजार हूँ। और मकराना से हमारे MLA साहब, इनका आशीर्वाद है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था जब मैं इंडियन आइडल में था, और इतनी जनता का, इंडिया का पूरा सपोर्ट है मुझे, इतने लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इंडियन आइडल के मंच पे पहुँचना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और इंडियन आइडल टीम ने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे चांस दिया इतने बड़े मंच पे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा मैं। नए युवाओं के लिए क्या संदेश आपका जो गायकी के अंदर है? नए लोगों के लिए जो अपने सिंगिंग को आगे तक ले जाना चाहते हैं, जो म्यूजिक से बिलोंग रखते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत करें, रियाज पे ध्यान दें और कभी भी हार ना माने, क्योंकि आप अपने सपने को साकार करने के लिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो मेहनत कीजिए और अपने मंच को हासिल कीजिए।